दो रकात किस तरह पढ़ते हैं, इस तरह नियत बंद दो रकात पढ़ते नमाज जोर से, दो रकात नफिल नमाज वास्ते अल्लाह के दो मेरा काबी शरीफ के कर। देखो सबसे पहले इधर नियत ये करने का, क्योंकि अल अजबा नज़ाइर में इब्ने नुजैम मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अन्नियत फिल कल्ब ला फिल लिसान, नियत दिल के इरादे का नाम है, जुबान से कहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर किसी ने इस्तेहज़ारन कह दिया, इस्तेहज़ारन अगर किसी ने कहा तो कह सकता है, लेकिन असल नियत क्या है वो दिल की है, दिल में सिर्फ नियत काफ़ी है, अन्नियत फिल कल्ब ला फिल लिसान, या इस्तेहज़ारन अगर कोई कहे कि मैं दो रकात सुन्नत फजर की पढ़ता हूँ ख़ास वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर, और इमाम के पीछे पढ़ रहा है तो पीछे इस इमाम के, इस तरह नियत करेगा, और नियत करकर इस तरह क्या है हाथ इस तरह, दो रिवायतें बुखारी शरीफ में यहाँ तक है, और इस तरह अबू दाऊद वगैरह में और इब्ने माजा ने अपनी सुन्नत में कानों तक, कानों की लौ तक इस तरह उठाएगा, और हथेलियाँ टिबले की तरफ होंगी, हथेलियाँ कहाँ होंगी टिबले की तरफ, बहुत से लोग इस तरह करते नहीं, बहुत से लोग ऐसा आम हालत में जिस तरह उंगलियाँ होती है इस तरह अल्लाह अकबर हाथ को इस तरह बांधे, उठा और बांधो अब इसमें दो रिवायतें, जैसे अबू दाऊद शरीफ में इमाम अबू दाऊद सजिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला की रिवायत जिक्र की, अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 756 पर, 756 पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला की रिवायत है काला अस्सुन्नतु वदउल कफ्फी अलल कफ्फी फी सलाती तहता सुर्रा, यह हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने क्या किया, इस तरह क्या है हाथ उठाया और वदउल कफ अलल कफ तहत सुर्रा, कि इस तरह अल्लाह अकबर बाएं हाथ पर दाया हाथ रखा, हाँ वजाल कफ, ये कफ इसको बोलते हैं हथेली को, हथेली को इस हथेली को बाएं हाथ के हथेली पर रखा, और रखकर तहत सुर्रा नाप के नीचे, नाप के नीचे, ये हजरत अली रजी अल्लाह तआला का सुन्नत है, ये सुन्नत है अबू दाऊद शरीफ में जिल्द नंबर 1 में किताबुस सलात में हदीस नंबर 756 पर। एक दूसरी रिवायत है जिसे क्या है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में हजरत वाइल बिन हुज्र रज़ी अल्लाह ताला की रिवायत जिक्र की, जो बुखारी शरीफ में 6329 पर, 6329 पर वाइल बिन हुज्र की रिवायत, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सल्लू कमा रअयतुमुनी उसल्ली, कि तुम इस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुम मुझे नमाज पढ़ता हुआ देख रहे हो, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे तुम क्या है मुझे नमाज पढ़ता हुआ देख रहे हो। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी नमाज पढ़ी, वो नमाज उसी तरह पढ़े सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़े, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह पढ़िए उस तरह पढ़े, अगर इस तरह पढ़ेंगे तो यकीनन अल्लाह की तरफ से क्या है मदद आएंगी, और ख़ुद अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने अस-सिलसिलतु सहीहा में हदीस नंबर 893 पर इसी रिवायत का तस्किरा किया, इसी रिवायत का तस्किरा किया, सल्लू कमा रअयतुमुनी उसल्ली, और बुखारी शरीफ में सल्लू कमा सल्लैना, हमें जिस तरह नमाज पढ़ता हुआ देख रहे उसी तरह नमाज पढ़ो, तो सबसे पहले कि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा में उसी तरह नमाज पढ़नी है जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, तो सबसे पहले इस तरह हाथ को उठाएंगे, हाथ को उठाकर क्या है कानों के लौ तक ले जाएंगे और अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ को बांधेंगे, और हाथ कैसा रखेंगे जैसे मैंने अबू दाऊद शरीफ की रिवायत जिक्र की हजरत अली रजी अल्लाह तआला की, के काला फरमाते हैं अस्सुन्नतु वज़ुल कफ्फी अलल कफ्फी फी सलाती तहत सुर्रा, हाथ को उठाकर क्या है दाएं हाथ को बाएं हाथ के हथेली पर नाप के नीचे बांधेंगे, नाप के नीचे बांधना ये सुन्नत है। एक दूसरी रिवायत है जैसे वाइल बिन हुजर रजी अल्लाह तआला के सल्लैतु
मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मैंने नमाज पढ़ी। नमाज कैसे पढ़ी कि उस वक्त अल्लाह के नबी ने वजा यदहु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को इस तरह उठाया, यदहु युमना, सीधे हाथ को अला यदही यदीही युसरा, बाएं हाथ पर, अला सदरीही सीने पर रखा, कहां रखा सीने पर। पहली रिवायत जो मैंने जिक्र की नाप के नीचे सुन्नत है, और एक दूसरी अल्लाह के नबी ने बयान जवाज के लिए क्या है अला सदरी ही सीने पर। ये मुस्लिम शरीफ में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस नंबर 401 पर जिक्र किया, हदीस नंबर 401 वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत है कि फरमाते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रहा था, आपने क्या किया वदउ यदहुल युमना अला यदहिल युसरा, आपने इस तरह हाथ को उठाया और दाएं हाथ को बाएं हाथ पर अला सदरी सीने पर रखा। सीने से सीना यहां होता है, ये सीना है, बहुत से लोग जो यहां रखते हैं यानी सीने के ऊपर, पूरे कुतुब हदीस में सीने के ऊपर की कहीं रिवायत है ही नहीं, अला सदरी ही सीने पर रखा, ये हड्डर्मी है, बहुत से लोग यहां रख देते हैं, बहुत से लोग ये कहीं नहीं, दो ही रिवायत है पूरे कुतुब हदीस में, अबू दाऊद शरीफ में 756 पर ये तहत सुर्रा नाप के नीचे, और दूसरी बात मुस्लिम शरीफ में इमाम मुस्लिम ने हदीस नंबर 401 पर वाइल बिन हुजर रजी अल्लाह ताला की रिवायत है, वो फरमाते हैं अला सदरी ही, मैंने लगे नबी को देखा सीने पर, सीना ये होता है, ये सीना नहीं है, ये तो क्या है मजाक है। सुन्नत के मुताबिक शरीयत को जानकर दो ही रिवायतें कुतुब हदीस में, पूरे कुतुब में दो ही रिवायत है, एक तहत सुर्रा और अला सदरी सीने पर, इसलिए इमाम हरम को देखो वो सीने पर हाथ रखते हैं, और सीने पर भी हाथ ऐसा रखते हैं कि वज़ुल कफ अलल कफ, ये इस तरह, या ये भी कहीं भी नहीं, बहुत से लोग इस तरह, ये पूरे क्या है मनमानी है, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने कुरान हकीम में 28वें पारे में सूरह हज्र में आयत नंबर 7 में कहा वमा आताकुमुर रसूलु फखुजू, जो नबी लेकर आए उसको ले लो, वमा नहाकुम अनहु फंतहू, और जिन चीजों से रुकने का कहा उससे रुक जाओ। ईमान का तकाजा है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे, तो सबसे पहले क्या करने का हाथ को उठाकर, और अफजल यही है, सुन्नत यही है कि नाक के नीचे, इजाजत यहां भी है, जैसे हमारे बाल भाई पढ़ते हैं, हमें टोकना नहीं है, हमें क्या है उनको बुरी नजरों से देखना नहीं, दोनों की इजाजत है, लेकिन नीचे की ज्यादा फजीलत, क्योंकि अतिब्बा ने भी लिखा है कि अगर नाक के नीचे हाथ बांधा जाए तो कब्ज से, पेट के बढ़ने से बचाव है, और सुन्नत भी है, सुन्नत है, इजाजत नहीं है, सुन्नत असल सुन्नत तो वज़ुल कफ अलल कफ, इमाम अबू दाऊद सजिस्तानी ने अबू दाऊद शरीफ में किताबु सलात में जिल्द नंबर 1 में हदीस नंबर 756 पर इस रिवायत का तस्किरा किया, इसमें फवाइद ज्यादा है, पेट के ज्यादा बढ़ने का अंदेशा नहीं है, कब्ज के खत्म होने का कई फवाइद है, इस तरह चलो। बिस्मिल्लाह सुभानकल्लाह, सबसे पहले सना पढ़ेंगे, ये भी सुन्नत है बुखारी शरीफ के हदीस है, سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تعوز اور تسبیح کس کے لیے ہے امام کے لیے یا منفرد کے لیے اگر کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو صرف وہ ثنا پڑھے گا صرف کیا پڑھے گا सना। अगर किसी ने ये कह दिया जैसे अल्लाह अकबर सना सुभानक अल्लाहुम्मा, अगर कहा लफ्ज़े सना कह दिया उसकी नमाज फासिद, नमाज के मुफसिदात में से, क्योंकि सना उर्दू का लफ्ज़ है, सना क्या है उर्दू का लफ्ज़ है, सना नहीं पड़ेगा, लफ्ज़े सना नहीं बोलेगा, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका सना का लफ्ज़ नहीं बोलेगा। उसके बाद ताउज़ तस्मिया जो है वो इमाम के लिए, मुनफरिद अकेला अगर नमाज पढ़ रहा उसके लिए है। आपके मसाइल उनके हल में मां यूसुफ लुधियानवी ने किताबु सलात में लिखा है कि इब्तिदा में ताउज और तस्मिया वाजिब है, लेकिन सही यही है कि सुन्नत है, इसलिए बचने के लिए औज बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ लेना चाहिए। रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पढ़े,
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. अब ये بسم الله پڑھنا کیا ہے جائز ہے کیونکہ سورہ فاتحہ میں اور سورت میں فصل کر رہے ہیں الگ کر رہے ہیں نا تو اب بسم اللہ پڑھنا جائز ہے بسم اللہ پڑھنا چاہیے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. دیکھو پہلے سورہ فاتحہ پڑھی انہوں نے. کیا پڑھے؟ سورہ فاتحہ پڑھی انہوں نے. सूरह फातिहा का पढ़ना क्या है? वाजिब है. और सूरत का मिलाना भी वाजिब है. तिलावत का करना फर्ज है. नमाज में 13 फर्ज है. उसमें से तिलावत का करना, तिलावत कहते हैं पढ़ने को. अब सूरह फातिहा का पढ़ना भी वाजिब, जम्मे सूरा भी वाजिब. कोई एक भी अगर छूट गया नमाज में नुक्स लाजिम आएगा और उस नुक्स की वजह से सजदे सौ लाजिम आता है. किसी ने सजदे सौ नहीं किया तो नमाज वाजिबुल यादा है. इसका खास ख्याल रखें. सबसे पहले तो जिस वक्त खड़ा होगा तो पैर क्या है, दोनों किबले की तरफ हो. पैर इस तरह नहीं होंगे ऐसे. बहुत से लोग इस तरह करते नहीं, बिल्कुल दोनों किबले की तरफ. और एक पैर से दूसरे पैर के दरमियान 4 से 6 उंगल का फासला होगा, सुन्नत है. लेकिन कोई अगर जसीम है, मोटा है तो थोड़ा फैला भी सकता है लेकिन कम रखे ये. और दूसरे कियाम जो है, कियाम ये फराइज में से, नमाज के फराइज में से 13 फराइज में से कियाम. कियाम में बहुत से लोग इस तरह झुककर अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा. कियाम पूरा होना चाहिए. कियाम क्या है? ये पूरा इस तरह कियाम इस्तवा, पूरा खड़े होने को कियाम कहते हैं. और इस तरह क्या खड़े होकर तकबीर तहरीमा कहेंगे, क्योंकि तकबीर तहरीमा नमाज के फराइज में से. तकबीर तहरीमा भी नमाज के फराइज में से और कियाम भी नमाज के फराइज में से. अगर किसी ने तकबीर तहरीमा नहीं कहा और कियाम पूरा नहीं किया उसकी नमाज भी नहीं होगी, उसकी नमाज ही नहीं होगी. चलो अब उसके बाद अब रुकू करेगा. रुकू क्या है? ये भी नमाज के 13 फराइजों में से रुकू करना. अब रुकू इस तरह करेगा कि ये बिल्कुल सर, पीठ, कमर दोनों क्या है, तीनों बराबर हो. इसका बिल्कुल इस तरह झुकेगा नहीं. बहुत से लोग ऐसा झुकते हैं, ये भी नहीं. बहुत से लोग क्या है, ये इस तरह करते, इस तरह भी नहीं. बिल्कुल क्या है कि और पैरों पर वजन डालेगा और ये जो पैर है पूरे इसको टाइट करेंगे. नमाज क्या है? नमाज एक ऐसा अमल है कि नमाज के जरिए से इंसान के करीब कोई बीमारियां नहीं आती, कोई बीमारी. इस तरह अब यहां रुकू में वो अपने हाथ को इस तरह खोलकर घुटने को पकड़ेगा. ये खोलकर दिख रहे हैं, नजर आ रहा है आपको, इस तरह खोलकर. बहुत से लोग क्या इस तरह करते नहीं, पूरा खोलकर इस तरह घुटनों को पकड़ेगा. चलो पढ़ो. सुबहान रब्बियल अज़ीम. ये रुकू की तस्बीह है. 3 मर्तबा 5 मर्तबा 7 मर्तबा पढ़ सकते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम. ये बुखारी शरीफ की रिवायत है. एक दूसरी रिवायत है बैहरी ने शुबुल ईमान में भी जिक्र किया, इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम शरीफ में भी जिक्र किया है, सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही. ये भी कह सकते हैं, ज्यादा सवाब है, वक्त है तो ये भी कहे. 3 मर्तबा 5 मर्तबा 7 मर्तबा सुभान अल्लाह लिमन हमीदा. हाँ, ये रुकू के बाद उठने का अमल है कौमे की तरफ. इसको कौमा कहते हैं. कौमा ये नमाज के 14 वाजिबात में से एक वाजिब है. कौमा बहुत से लोग क्या करते हैं, रुकू से इस तरह इतने उठते और सजदे में चले जाते, नमाज नहीं होंगी.
क्योंकि वाजिब के तर्क से नमाज नहीं होती। रुकू के बाद पूरा खड़ा होगा, पूरा के पूरा खड़ा होगा। अब जितना क्या है कि आजा अपने हालत पर आ जाए, कौमा रुकू के बाद खड़ा होना ये वाजिब है। और इसमें तादील अरकान, तादील अरकान समझते हेलो भाई, तादील अरकान, तादील अरकान कहते हैं कि पूरे अज्व 360 जोड़ जो है इंसान के आजा अपने जगह आ जाए, इसको तादील अरकान कहते हैं। कौमा भी वाजिब, तादील अरकान भी वाजिब। अक्सर लोग ये दो अमल छोड़ देते हैं जिससे नमाज नहीं होती। नमाज इस तरह पढ़े, सल्लू कमा रअयतुमुनी उसल्ली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, उस तरह हम नमाज पढ़ेंगे, हमारे नमाजों में जान आएगी, हमारे नमाजों में जान आएंगी, तो दो दो रकात के जरिए से हमारे पूरे मसाइल जिस तरह सहाबा के मसाइल हल होते थे हमारे मसाइल हल होंगे। इस तरह क्या कौमा और तादील अरकान करने हैं। चलो क्या पढ़ेंगे उसमें, रब्बना लकल हम, बुखारी शरीफ कह दीजिए। दूसरी रिवायत ही बुखारी शरीफ में है, रब्बना व लकल हम। तीसरी रिवायत भी बुखारी शरीफ में, रब्बना व लकल हम हमदन कतीरन तय्यिबन मुबारकन फी, मुबारकन फी। ये क्या तीन रिवायत है। अगर इतना वक्त नहीं है जैसे इमाम रब्बना लकल हम या रब्बना व लकल हम तो इतना ही पढ़े, क्योंकि इमाम की मुताबियत वाजिब है और ये तस्बीह मसनून है। मुताबियत के अतबार से अगर पढ़ना नहीं हुआ फौरन सजदे में चले जाए, इमाम के साथ सजदे में जाए, पढ़े ना, अगर पढ़ेगा इमाम की मुखालिफत होगी, गुनेगार होगा, क्योंकि इमाम की मुता, और तन्हा पढ़ रहे तो फिर ये पूरी तस्बीहात पढ़ सकते हैं जैसे मैंने बतलाया है। इसका बड़ा सवाब अहदीस में है। अल्लाहु अकबर। अब जिस वक्त रुकू से क्या है कौमे की तरफ जाएगा और कौमे से सजदे की तरफ, तो सबसे पहले अपने दोनों घुटनों को टेकेगा, दोनों घुटनों को टेकेगा, फिर दोनों हाथ को रखेगा, दोनों हाथ को, और फिर नाक को, और फिर पेशानी को, पेशानी को इस तरह। क्यों कि बुखारी शरीफ में असजदतु सबातु मवातिन, सजदा सात चीजों का जमीन पर टेकने का नाम। सबसे पहले दो पैर, दो घुटने, दोनों हाथ और पेशानी, ये सजदे में टिकना चाहिए, ये तो फराइज में से। और नाक का टेकना क्या है वाजिब है, बाजों ने जरूरी करार दिया। किसी ने नाक अगर सजदे में नहीं टेका उसकी नमाज ही नहीं, नाक अगर नहीं टेका उसकी नमाज ही नहीं भी, इसका भी खास ख्याल रखे। और हाथ सजदे में क्या है पूरे मिले हुए हो, हाथ सजदे में मिले हुए हो, खुले हुए ना हो, बहुत से लोग खोलते हैं, मिले हुए हो। क्यों कि सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इनके बारे में आता है, एक शख्स आपके पास दौड़ता हुआ है और उसने आकर कहा हजरत हजरत, एक शख्स हवा में उड़ता हुआ आया और आकर उसने खुला मैदान में नमाज पढ़ी, कितना बड़ा वली है। आपने कहा मुझे भी बतलाओ। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी जैसे जाकर देखा अर-रौज़ुल खैर में इब्ने शरीफ अल-मक्की ने लिखा है, जैसे ही गए जाने के बाद देखा कि रेत में उसने सजदा किया और हाथ इस तरह ऐसा खुले हुए थे और रेत में उसके नशाना थे। आपने कहा वो वली नहीं है, वो शैतान तो हो सकता है लेकिन वली नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने कुरान हकीम में चौथे पारे में सूरह आले इमरान में आयत नंबर 30-31 में कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि अगर ये लोग मोहब्बत के दावे करते हो मेरी इत्तबा करो, तो ये शख्स वली नहीं हो सकता। हवा में उड़ना कमाल नहीं है, हवा में तो शैतान भी उड़ रहा है। यह हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा हवा में तो परिंदे भी उड़ रहे हैं, असल चीज इत्तबाए नबवी है, सुन्नत है। तो सुन्नत क्या है, सजदे में इस तरह दोनों हाथों को क्या है हाथों की उंगलियों को मिलाना है। हाँ चलो पढ़िए तस्बीह, सुभान रब्बिल आला, ये अंगूठा ये कान के बिल्कुल कोने के हिस्से में होना चाहिए, ये हाथ ना आगे होना चाहिए और ना पीछे होना चाहिए, के बराबर इस तरह हाथ मिले और पूरा टिका हुआ। हाँ सुभान रब्बिल आला, ये सजदे की तस्बीह 3-5-7 मर्तबा। एक दूसरी बार बुखारी शरीफ में सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही वस्तगफिरुल्लाह, ये पढ़े, इसका बड़ा सवाब है। चलिए अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब इसको जलसा कहते हैं, इसको जलसा कहते हैं। अब ये जो हाथे हैं ये हाथ मिलाना नहीं, हाँ सजदे में भी बहुत से लोग इस तरह मिलाते हैं और घुटनों पर अपने हाथ को रखते हैं, दोनों भी ममनू है। अल्लाह के नबी ने कहा तुम इस तरह सजदा मत करो जिस तरह कुत्ता करता है, हाँ इसलिए ये हाथ खुले हो, हाँ
और क्या है, अपने बाजुओं से अपना हाथ जुदा हो, इस तरह जुदा हो कि बाजू वालों को भी तकलीफ ना हो, ये। और यहां भी हाथ क्या है, जलसे में, जलसा वाजिब है, ये जलसा जो है दो सजदों के दरमियान उसको जलसा कहते हैं, ये वाजिब है, नमाज के वाजिबात में से। अगर किसी ने सजदे में जाकर अभी जलसे में बैठा भी नहीं और सजदे में चलेगा, उसकी नमाज नहीं हुई, वो पूरा जलसे में बैठेगा और जलसे में बैठकर रब्बिग़फिरली, इमाम नसई ने नसई शरीफ में किताब सलात में जिल्द नंबर 1 में रिवाज जिक्र की, रब्बिग़फिरली दो मरतबा पढ़े, या अल्लाहुम्मग़फिरली अल्लाहुम्मा शरीफ में किताब सलात में है, और बुखारी शरीफ की दूसरी रिवायत है, ली वरहमनी वाफीनी वहदीनी वजबुरनी वरफानी, ये बुखारी शरीफ की। अगर इतना वक्त है ये लंबी दुआ पढ़े, वक्त नहीं है रब्बी अग़फिरली या अल्लाहुम्मग़फिरली अल्लाहुम्मग़फिरली पढ़े। और ये पैर की उंगलियां क़िबले की तरफ, और जैसा कुत्ता बैठता उस तरह ना बैठे फैलाकर, बल्कि दोनों इस तरह हम करेंगे। हाँ चलो अल्लाह, ये पैर की उंगलियां, ये पैर दोनों जो है ये क़िबले की तरफ हो, पैर उठे हुए ना हो, बहुत से लोग पैर उठा देते, अगर दोनों पैर सजदे में उठ गए टिके नहीं, उसकी नमाज ही नहीं हुई, क्योंकि मैंने जब ही कहा अस्सजदतु सबअतु मवातिन, सजदा सात चीजों का जमीन पर टेकने का नाम, सात चीजें टिकेंगी सजदा होगा। अगर पूरे सजदे में दोनों पैर उठे हुए, बहुत से लोग एक उठा हुआ है तो मकरूह है, अगर दोनों उठ गए तो नमाज ही नहीं, उसमें भी दोनों क्या है, जिस तरह तियाम में हम खड़े रहते न फैलाए न सुखे मिलाए, बल्कि दरमियानी चाल होना चाहिए, और इसमें दोनों पैर की उंगलियां क़िबले की तरफ हो, दोनों पैर की उंगलियां क़िबले की तरफ हो, और ये बाजू जो है ये जमीन से उठे हुए हो, बाजू उठे हुए हो, ये लगे हुए ना हो, बल्कि इस तरह खुले हो और जमीन से उठे हुए हो, सजदा इसी का नाम, सजदा इसी का नाम। हाँ अल्लाह, ये दूसरी रकात के लिए खड़े हो, चलिए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सुन्नत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौम الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم अब इसमें ولا الضالين के बाद आमीन, आमीन जो है इसका भी मसला है, आमीन जो है, आमीन ये दुआ है, और सैयदना अबू बकर उमर रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि खुद हजरत फुकहाए किराम ने मुहद्दिसीन ने कहा कि आमीन दुआ है, और इन्होंने आहिस्ता ही आमीन कही, और आहिस्ता आमीन कहना अफजल है, अगर किसी ने जोर से कहा आमीन बिल जहर जिसको कहते हैं, आहिस्ता भी सुन्नत है जोर से भी सुन्नत है, लेकिन आमीन भी शोर जो है चीखना ये सुन्नत नहीं, आमीन 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 भी ना कहे आमीन, उसके माना है अल्लाह ऐसा इफ़अल, अल्लाह इस तरह कर, अल्लाह ऐसा ही होगा, अल्लाह के नबी ने कहा जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल गई अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर देता है, आहिस्ता आमीन कहना अफजल है, आहिस्ता आमीन कहे चीखना नहीं चाहिए, बाजू वाला भी नहीं सुनना, आमीन दिल में कहेगा। चलो बिस्मिल्लाह रहमान إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى دي الله أكبر ربي اغفر لي ربي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي الله الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى
कायदे में बैठो, इस कायदे में अत्तहियात पढ़ेगा, दुरूद शरीफ पढ़ेगा, दुआ मासूम। अत्तहियात का पढ़ना भी वाजिब है, अत्तहियात का पढ़ना भी वाजिब है, दुरूद शरीफ और दुआ मासूम इसका पढ़ना मसनून है। इस तरह अत्तहियात पहले पढ़ेंगे, नमाज का भी वक्त हो गया, और उसके बाद सलाम फेरे, दोनों तरफ सलाम फेरना क्या है, ये भी वाजिब है। खुरूज भी सुनी ही अपने अमल से, नमाज से खारिज होना ये वाजिब है, फराइज में से नहीं, बहुत से लोग फराइज समझते नहीं, वाजिबात में से है। इस तरह पहले अत्तहियात पढ़ेगा, फिर दुरूद शरीफ, फिर दुआ मासूरा और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अस्सलाम। ये हमारी अमली मश्क क्या है, नमाज की पूरी हुई, क्योंकि अज़ा का वक्त हो गया। और हमारे भाई हनीफ साहब पूना, ये बेचारे आम आदमी हैं, इतनी अच्छी नमाज इन्होंने पढ़ी। चलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।